ओल्ड मनाली, जोर से बोलिए ओल्ड मनाली। इन्होंने मेरे से फोटो खिंचाया, मुझे लगा हमारे सब्सक्राइबर होंगे, और फोटो खिंचाने का वरुण धवन। पहाड़ी खरगोश, ये एंशियंट टेंपल है और ये हिडिंबा देवी को डेडिकेटेड है। क्या चली है, क्या भरोसा है, तुम्हारा गाइड रहेगा मैं, तुमको मनाली मैं दिखाऊंगा। ट्यूजडे 18 जुलाई सुबह के 9:52 पर MSK इस कुर्सी पे बैठा हुआ था आज से 4 साल पहले, और यहाँ पर उसने अपना पहला इंट्रो दिया था मनाली का। जरा आप वो देखें, प्रकाश डालें, आपको दिखेगा कि हम पहले कैसे दिखते थे और कैसे व्लॉग बनाया करते थे। मैं यहीं पर ही हूँ, जरा देखें। हेलो नमस्ते, वेलकम वाला मरहबा, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज जय मोहम्मद सलीम खान, वेलकम टू माय YouTube चैनल MSK व्लॉग्स। टुडे इज ट्यूजडे जुलाई 18, 952। वो था पुराना वाला MSK, पुराना वाला इंट्रो, अब है ये नया वाला MSK, नया वाला इंट्रो। हेलो नमस्ते वाला मरहबा, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सलीम खान, वेलकम टू माय YouTube चैनल MSK। गुड मॉर्निंग, एक्चुअली गुड आफ्टरनून मनाली, गुड मॉर्निंग तो हो चुकी है। सुबह सुबह की कहानी ऐसी थी कि उठे, चाय पिए, फिर नीचे गए, एडिटिंग पे बैठा, जरा वो भी कहानी देख ले। उदिक भूत नहीं, उदिक चाय मैगी, ठीक है, चल रहा है। 1, 2, 3, अच्छा। अभी जस्ट जाके मेरी एडिटिंग कंप्लीट हुई है, छोरी थोड़ा मोबाइल ले रहा हूँ। 14 बोले तो रे, दो ढाई बज रहे हैं। आज एडिटिंग मेरे साथ साथ इसने भी की है, इसने भी की है, और यहाँ पर जो सीट खाली है ना, ये पूनम की पीछे कैमरे के पीछे, तो सब ऐसे बैठ के एडिटिंग कर, सारे जोक्स पे हंस रहे हैं। मुद्दे की बात थी कि एडिटिंग अभी कंप्लीट होगी, खाना आया है, खाना खाएंगे। मनीष भाई ने अपने हाथों से बनाया खाना, खाने में क्या है वो भी बता देते हैं। पापड़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइस वेरी इंपॉर्टेंट, दाल, पनीर की सब्जी। और मेरे दोस्त, कैसा लग रहा है मनाली में आके वापस? बहुत ही बढ़िया भाई, वो इतने महीनों से वो गर्मी झेल रहे थे और ये फाइनली कुदरत का एसी है, ये मजा आ रहा है। हवा भी क्या मस्त चल रही है यहाँ पर, क्या ग्रीनरी है, क्या वादिया। आज ऐसा कुछ करने का मन नहीं है, आज ऐसा लग रहा है कि चिल करें, और चिल ही करेंगे। अभी कुछ टाइम बाद यहाँ से हम जाएंगे यासीन जी के ऑफिस में, उनसे मिलेंगे, सुबह सुबह भाभी जी से तो मिल लिए, फिर उसके बाद में समझेंगे। अरे पूनम पहली बार मनाली में आई है, किधर गई वो? हेलो, हाय, मनाली में आपका स्वागत है। ये क्या हो गया? इतनी ठंडी नहीं है, हवाएं चल रही है बाहर। कंबल ले चुके साथ में? ये लेके चलते, तो वो भी सोच लिया था। मनाली में पहली बार आई है, ना मॉल रोड गई है, ना हिडिंबा टेंपल गई है, कुछ नहीं पता। जो भी पहली बार मनाली आते हैं क्या करते हैं, हिडिंबा टेंपल जाते हैं या फिर मनाली मॉल रोड जाते हैं? तुमको हिडिंबा टेंपल लेके जाएंगे, फिर उसके बाद मनाली मॉल रोड भी लेके जाएंगे, तुम्हारा गाइड रहेगा मैं, तुमको मनाली मैं दिखाएगा। हमारे मनीष भाई कितना लाजवाब खाना बनाते हैं, कल रात को आपको ठीक से दिख नहीं पाए क्योंकि अंधेरा था वहाँ पर, अब देखें कितना स्मार्ट हो गया मनीष भाई हमारे, एकदम जेंटलमैन। मनीष भाई ने आज बनाया था मटर पनीर, दाल और चावल, रोटी। आपको बिल्कुल ऐसे कैसे वापस मिली, इन्होंने जब प्लेट दिया था तो ऐसे ही था, और जब खाना खा के हुआ तो प्लेट ऐसे ही था, मतलब समझ रहे हो, पूरा चाट के प्लेट को खाया गया है, इतना बढ़िया खाना बनाया गया, बहुत टाइम बाद इनके हाथों का खाना खा के मजा आ गया। शुक्रिया, मिलते हैं अभी पैर सिंह के पास जाएंगे। हेलो, रेडी हो आप? चलो चलो। मैडम आपको आज हम ऐसी जगह लेके जाएगा, आपने बहुत सारे बॉलीवुड मूवीज में देखा होगा। क्या जगह है ये? जगह का नाम है हिडिंबा टेंपल। अरे कैमरा कैसे पकड़ा है भाई, नहीं जाना है ऐसी फेमस जगह, अगर आप नहीं गए तो आपने मनाली फिर आए क्यों? चलेगा, हम कुछ और देख लेंगे। हिडिंबा टेंपल जाना बहुत जरूरी है आपका। नहीं नहीं जाना। ओ भाई जी छेड़ना बंद करो, बोला ना नहीं जाना है। कोई फीस नहीं है, ऐसी मोहब्बत वाली फीस है, 350 रुपए मोहब्बत दे देना, और कुछ नहीं चाहिए। पैसे ही नहीं है, मोहब्बत ही नहीं है, कड़वी चीज हूँ मैं बहुत। अरे तुम लोग खींचो और खींचो, इधर ही एंड नहीं करने होते, कहानी को और खींचना है, जहाँ नहीं जरूरत है वहीं सब बोलते। ये सीढ़ी पकड़ के हमें जाना है हिडिंबा टेंपल, और हमारी फॉर्चुनर यहाँ पार्क है। क्या चली है, क्या भरोसा है, प्यार आ गया इस पे यार, तुम सबको इसी ने लाया है, थैंक यू बोल इसको। स्पसिबा। हाँ मैडम, किधर गए तुम? हाँ मैडम, मैडम क्यूटी पे बैठना है आपको? अरे हमारी फॉर्च्यूनर MSK, MSK लिखा हुआ। मैडम जी जितनी आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, ये सारी सीढ़ी आपकी मन्नतें पूरी करेंगी, आप जो भी मांगो सब पूरा हो जाएगा, ठीक है मैम? भैया आपकी सास की सीढ़ी है, बिकॉज़ सीढ़ी जो आपने चढ़ी वो सीढ़ी मैंने भी चढ़ी है, और अगर ये मजा आपको लेना है तो आपको पता है क्या करना है, चलिए। मैडम ये जो आप देख रहे हैं, ये हिडिंबा टेंपल, ये एंशियंट टेंपल है और ये हिडिंबा देवी को डेडिकेटेड है। हिडिंबा देवी आप जानते हैं? नहीं। वाइफ ऑफ भीमा, महाभारत। अच्छा। बहुत मान्यता है यहाँ के लोगों की, और बहुत पुराना मंदिर है ये, सारी मुरादें आपकी पूरी हो जाएगी। 1500 में बनाता हूँ।
मजा आ रहा है बहुत ज्यादा। ये मजा मैं भारत के हर एक व्यक्ति को देना चाहता हूँ। मैं इतनी बार मनाली आया हूँ लेकिन कभी भी मैं ऐसे रैबिट के साथ खेला नहीं। हेलो, दिस इज योर चांस। अरे रे, कितना गुदगुदा ये। तुम टॉर्चर तो नहीं हो, लेकिन फर बहुत अच्छा है, गरम एकदम। इसको भी दे दे हाथ में। हाय डार्लिंग। पहाड़ी खरगोश है। मजा आया दोनों को खरगोश पकड़ के? यस, बहुत मजा आया। मनाली में आया तो ये नहीं करना होता है। मुझे लगा हमारे सब्सक्राइबर होंगे और फोटो खिंचाने का वरुण धवन। वाह, मैडम आपने देखा हडिंबा डिंपल, कैसे लगा? अब मैं आपको दिखाता हूँ, प्लीज यहाँ खड़े हो जाइए। ये जो आप देख रहे हैं ये है ओल्ड मनाली। जोर से बोलिए ओल्ड मनाली। तो ये हमारा फेवरेट स्पॉट है जहाँ पर हम ऐसे खड़े होते हैं। हमारा बोले तो मैं सत्या, हम जब भी आते हैं यहाँ पर तो ये स्पॉट पे खड़े होकर देखते हैं कि ये ओल्ड मनाली। ओके, ये ओल्ड मनाली। तो जा रहे हैं हम लोग मॉल रोड की तरफ। अगर मनाली आने का प्लान बने ओल्ड मनाली जरूर जाइएगा। ओल्ड मनाली में एक अलग फील आता है, वहाँ पर बहुत पुराने पुराने रेस्टोरेंट है। पहले वाली मनाली की जो वाइब है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, अंग्रेज वाली वाइब भी ज्यादातर वहीं पर देखने को मिलती है। ये है आर्य उपाध्याय। ये राजन जी, इनको चाप खिलाना है, मैच वाला चाप। फिर से आ गए जी, आ गए जी। नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है, एकदम नॉस्टैल्जिया। कैसे हैं जी? नमस्कार। कैसा लगा? बहुत बढ़िया। ये है वेज चाप जो सोयाबीन से बनता है। पहली बार जब मैं खाया था तो मुझे लगा था चिकन है। इधर 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 लेफ्ट। ओके मैडम, चाप खा के मजा आया। तो अभी हम आ चुके हैं मनाली मॉल रोड में। काफी भीड़ तो मॉल रोड यहाँ से शुरू होता है, एकदम आगे तक जाता है। तो मनाली मॉल रोड शुरू होता है वहां से जहाँ से हमने व्लॉगिंग शुरू किया था, और यहाँ से पूरा का पूरा। मैडम जी, तुम्हारे लिए स्पेशल व्यू, तुमको देखना था ना मनाली मॉल रोड। जब मनाली आते हैं, हिडिंबा टेम्पल भी जाते हैं, मनाली मॉल रोड पे आते हैं। मनाली मॉल रोड जो है ना, यहाँ पर छोटे छोटे स्टॉल्स हैं जहाँ पर आपको मस्त एकदम खाने के लिए मिल जाएगा। छोटे छोटे स्टोर्स हैं जहाँ पर गर्म कपड़े मिल जाएंगे, कहीं कहीं पर आपको सुविनियर्स मिल जाएंगे। तो शाम के वक्त ये पूरा चकाचौंध होता है, और सीजन के वक्त मतलब इतने पब्लिक यहाँ पर होते हैं, पैर रखने की जगह नहीं होती है, बहुत फेमस। तो मनाली का मेन अट्रैक्शन मॉल रोड, वन ऑफ द मेन। मतलब डिपेंड करता है, क्योंकि ज्यादातर लोग आते हैं तो यहीं पर घूमते हैं और यहीं पर ही चकाचौंध होती है मनाली की। मॉल रोड के बाजू में ये जो आप देख रहे हैं ये बस स्टॉप है, यहाँ पर सरकारी बसें आती है, प्राइवेट बसें आती है, यहीं से होके जाती है। वहाँ एक मंदिर है, चारों तरफ से ऐसे माउंटेन्स ने हमें घेर लिया है। स्नो कैप माउंटेन्स और यहाँ पर एक तिरंगा। सारे जहाँ से अच्छा तो ये दो चीज है जो आपको हमने बताया है कि आप मनाली में आके कर सकते हैं। उसके अलावा मनाली और उसके आसपास की जगहों में आप क्या क्या चीजें जो कर सकते हैं वो ये है। मणिकरण जा सकते हो, मॉनेस्ट्री विजिट कर सकते हो, नगर कैसल कैंपिंग, मॉल रोड हो गया अपना, राफ्टिंग कर सकते हो, स्कीइंग कर सकते हो, औरंगाबाद जा सकते हो, पैराग्लाइडिंग कर सकते हो। और ये सब करने के लिए प्यार सिंह जी जिंदाबाद। बाकी सूचना जनहित में जा रही, थैंक यू। अभी हम लोग घर वापस जा रहे हैं और घूमने, कुल्फी हो जाएगी ना तू। तो जी आ चुकी है चाय, ये सुबह से चौथी चाय। एंजॉय, ठंड में अपने आप चाय चली जाती है, अलग ही कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो पेट में। कृष्ण जी चाय की चूस की इन मनाली। ये बिगड़ी हुई है भाई, ये बहुत बिगड़ी लड़की यार। ये जो कैमरा में तुम लोगों को दिखता है ना कि कितनी शरीफ है, आवाज एकदम धीमी धीमी, कैमरे के पीछे इसका एक अलग रूप है। बाल बाल ऐसे खड़े उड़े हो जाते हैं इसके। तो पहले आपने मनाली मॉल रोड को ऊपर से देखा था दिन में, अब थोड़ा रात में भी देख लीजिए।
क्या रौनक है, क्या चकाचौन है ओल्ड मनाली में, लेकिन हम नहीं जा रहे हैं। क्या है कि हम 15.5 घंटे ड्राइव करके यहाँ पर आए थे, तो कंप्लीट रेस्ट मिला नहीं है, इसलिए थोड़ा जल्दी जा रहे हैं। रेस्ट भी हो जाएगा और घूम भी लेंगे, तो दोनों बैलेंस किए। सामने हमारे हैं बॉन फायर और एक खास हमारे मेहमान जो मजा ले रहे हैं। हेलो, भाभी जी मिल चुके हैं। वैसे तो दिन में मिल लिए थे लेकिन ब्लॉग में नहीं लाए। अब यहाँ पर सब बैठ के गप्पे शप्पे मारेंगे, इस बॉनफायर का मजा लेंगे, इसका भी मजा लेंगे। ब्रो यस, इधर तू जो भी मजे ले रहा है ना, बाहर के मजे मिस कर दिया ना। नहीं मिस नहीं करूंगा, आऊंगा ना, पछताएगा। आ जा फटाफट, बातों से करो। ये आग और ये जल रही है और ये जल रहा है और हम सेक रहे हैं और ये इतना पैर जला रही है। रात के 11:17 खाने का टाइम, बॉनफायर का मजा वजा लेके सब खत्म। चावल मटन का सालन स्पेशली हमारे लिए बनाया गया है क्योंकि यहाँ पहाड़ों का मटन एक अलग स्वाद देता है। सैलड है और बाकी सब बढ़िया है। अब पता है सब कहाँ जाएगा, पेट में जाएगा, तो उसके लिए वक्त चाहिए। बस थोड़ा सा वक्त दे दीजिए हमें, ये सब ठूस के आपके पास वापस आते हैं। आइए बैठिए। अभी जो मौसम है मनाली का, बहुत ही चिल वाला मौसम है और इतना एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर मैं और आर्या। इनका तो पता नहीं क्या ही है, हो रहा है। ठंडी में कैसे रहना है, सीख रहे। बाकी बहुत मजा आया, ठीक है। आज मतलब कुछ ऐसा हमने खास कोई तोड़ू काम तो नहीं किया है, लेकिन अब जब 15.5 घंटा राइड करके आके ऐसा माहौल मिलता है, ऐसा कंबल मिलता है और ऐसा नींद, ऐसा फिजाओं में एसी, क्या ही कहने। बाकी बढ़िया, अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर मेकिंग पार्ट ऑफ द डे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, खुद हाफिज। लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम। ये फ्रेम बन रहा है, ये खिड़की दिख रही है नहीं?